हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडिया की एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जिसका नाम है मैसूर बोंडा, जो बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। आई नो आप सबको बहुत पसंद होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर ज़रूर उसको लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमने लिया है एक कप कर्ड यानी कि एक कप दही, उसको एक बर्तन में ले ले। इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 चम्मच नमक लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, याद रखिए आपको बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं। उसके बाद आप इस तरीके से फेंटने को फेंट सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको फेंटना है क्योंकि हमें इसमें झाग दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये बेकिंग पाउडर रिएक्ट कर चुका है। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको ये बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब बेकिंग पाउडर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है कर्ड के साथ और अब हम इसमें अपने नेक्स्ट ग्रीनरी को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉदिंग आनी चाहिए, तब तक आपको इसको अच्छे से फेंटना है। एक बार अच्छे से फेंट जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। बहुत ही सिंपल है, 1 कप कर्ड के साथ 2 कप मैदा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है। उसके बाद आप अपनी करछी छुरी सब कुछ साइड में रखिए और अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से फेंटिए। याद रखिए आपको इसको गूंदना नहीं है, आपको इसको फेंटना है क्योंकि हमें इसके अंदर एयर डालनी है। तो एक बार सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कर्ड मैदे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद अगर आपको लगे कर्ड कम है तो इसकी आप मात्रा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एट अ टाइम करके आप उसमें ऐड करते जाइए। और इस तरीके से एक बहुत ही स्मूथ बैटर बनाना है और आपको इस तरीके से इसको फेंटना है ताकि इसमें हवा भरती जाए। तो याद रखिए ये प्रोसीजर आपको अपनाना है, आपको इसको गूंदना नहीं है, आपको इसको इस तरीके से फेंटना है। जैसे हाथों से आप इसमें एयर डाल रहे हैं उसी तरीके से हमें इसको फेंटना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अपने हाथों को यूज़ करके इसमें हवा डाल रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है और इस तरीके का स्मूथ कंसिस्टेंसी आपके बैटर में हो जानी चाहिए। जब तक नहीं होती तब तक आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कर्ड भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कर्ड की क्वांटिटी कम हो गई हो तो। और अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे, जितना आप इसमें हवा भरेंगे उतना ही टेस्टी उतना ही डिलीशियस आपका मैसूर बोंडा बनके तैयार होगा। एक बार ये अच्छी तरह से फिट जाता है अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ जिंजर लिया है, 1 चम्मच करी लीव्स है यानी कि करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और 1 ही चम्मच कोरिएंडर है। इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, ये भुना हुआ जीरा नहीं है, ये नॉर्मल जो जीरा हमारे पास है वही हमने इसको डाला है। और इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सारे जो भी हमने चीज़ें इसमें डाली है ये अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से आपको भूनना नहीं है, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि इसमें ग्लूटेन जनरेट हो सके। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब इसको हम ढक करके 4 घंटे के लिए मिनिमम इसको छोड़ना है। तो जब 4 घंटे हो जाएंगे तब हम इसके पास वापस आएंगे, तब तक हम इसकी स्पाइसी सी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये हरी चटनी, हर किसी के घर में कभी ना कभी फ्रिज में हरी चटनी तो मिली जाती है। तो ये आपको 3 से 4 चम्मच हरी चटनी लेनी है, जो भी आपके फ्रिज में होगी आप वो ले सकते हैं। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 नींबू कटा हुआ है, इसका रस डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा नींबू खाना है, ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप इसमें नींबू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 कप ये कोकोनट है ग्रेटेड, जो बाज़ार में मिलता है ये वही वाला कोकोनट है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो आप उसको भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद हम करेंगे मिक्सी का ढक्कन बंद और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। तो चलिए जब तक ये ग्राइंड होता है तो देखते हैं इसका कैसा मिक्सचर बन के आया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये स्पाइसी सी चटनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है, ये इस तरीके की लग रही है अभी। अब हम डालेंगे इसमें हमारा मेन तड़का। तो हमें क्या चाहिए, हमें गैस में तड़का पैन को ले लिया, इसमें ऑयल डाल लिया है, अब हम इसमें मस्टर्ड सीड डाली है, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स है। इसको हम स्प्लटर होने देंगे, जब एक बार ये स्प्लटर होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 ही चम्मच चना दाल, जो घर पे मिलती है, रोस्टेड चना दाल नहीं है, नॉर्मल चना दाल है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची और इसके बाद करी लीव्स, 1 चम्मच करी लीव्स डाली है और साथ ही डाला 1 चम्मच उड़द दाल और हम सबको अच्छी तरह से
भून लेंगे। ये देखिए हमारा ये तड़का ऑलमोस्ट रेडी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग सा तड़का रेडी है। अब इस तड़के को हम डालेंगे अपनी इस चटनी में और यकीन मानिए इससे आपकी चटनी का स्वाद 4 गुना बढ़ने वाला है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और ये हमारी स्पाइसी ग्रीन चटनी रेडी है। इसको हम अच्छे तरह से मिला लें। आप देखिए कितना ही अच्छा टेक्सचर निकल के आया है और इसका कलर, और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स 4 घंटा हो चुका है, हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। तो ये देखिए हमारा बैटर कितना स्ट्रेची बन चुका है। पानी को लेंगे और इसको अपने हाथों को इसमें डिप करेंगे। साथ ही साथ मैंने गैस पे ऑलरेडी पैन में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख ही दिया था। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इस तरह से अपने हाथों को डिप करेंगे और इस बैटर में डिप करने के बाद इस तरीके से हम इसमें अपने छोटे छोटे मैसूर बोंडा को डालेंगे फ्राई होने के लिए। आपको फ्लेम को मीडियम लो रखना है क्योंकि ये मैदा है तो हमें इसको अंदर तक पकना चाहिए, इसलिए हम फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते, गोल्डन ब्राउन, तब तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़ा टाइम लेता है बट यकीन मानिए ये इसका टाइम लेना वर्थ इट होगा। और फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट के बाद ही ये देखिए हमारे मैसूर बोंडा गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ही अमेजिंग लग रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही खाने में एकदम डिलीशियस है। आप अपने घरों में ठंड के मौसम में ज़रूर बनाइए जब भी आपका मन करे। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे से मैसूर बोंडा। अब इसको हम सर्व करेंगे हमारी स्पाइसी ग्रीन चटनी के साथ। इसका ये दोनों कॉम्बिनेशन आप कभी भी खाइए, आप अपने गेस्ट को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो के नीचे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।